नमस्कार दोस्तों, ये कूलर है का मोटर है, बहुत साउंड कर रहा है। आपको हम दिखाते हैं कैसे ही साउंड कर रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे एकदम इजी तरीके से। और सर्विस भी देखिए मोटर कैसा साउंड कर रहा है, बहुत ज्यादा दूसरे साउंड कर रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको हम दिखाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, इसको कवर को आराम से खींच देना है। ये जो देख रहे हैं ये लॉक पे बैठा हुआ रहता है, इसको ऐसे घुमाकर इसको निकाल देंगे एकदम इजी तरीके से, निकल जाएगा ऐसे। और ये जो है ये भी निकल जाएगा। और इसके अंदर एक रबर है, देखिए कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का। साइड में देखिए रबर गिरा हुआ है, वो जो रबर है आपको हम दिखाते हैं। रबर को हम नीचे रख दिए, देखिए यही रबर है, ये जो गिर गया होता इसी कारण ज्यादा साउंड कर रहा था। तो इसको रबर को अंदर डाल देते हैं पेचकस या कुछ की सहायता से। देखिए यहाँ पे इसको रबर को अंदर घाट बनाया हुआ है, तो इसको अंदर ऐसे बैठा देंगे। और इस मोटर को रोटर को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक। चुप रहना। तो इसको डाल दिए और इसको लगा देंगे। अगर सपोज आपका अगर ये मोटर नहीं चल रहा है, डेड स्थिति में है, तो इसको करना क्या काम है। साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको हम दिखाते हैं साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लॉक पे अच्छा से बैठा देना है, देख लीजिए लॉक को अच्छे तरह से बैठा दिया। आपको हम चलाकर दिखाते हैं, साउंड ऑटोमेटिक कम जाएगा और रबर सही नहीं रहने का कारण। देखिए एकदम साइलेंट हो गया, अच्छी तरह से चल रहा है। तो आप भी कूलर का मोटर ऐसा ही बना लीजिएगा जो अगर साउंड कर रहा है ज़्यादा, तो ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना चैनल है, इसी तरह के और वीडियो मिलते रहेगा आपको। देख लीजिए कितना अच्छा साउंड चल रहा है, और इसको पानी में डालेंगे तो पानी अच्छा फेंकता है, ठीक। तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं साउंड अगर ज़्यादा करता है तो।